अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने 2020-2021 के सामान्य बजट पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी है। मैं दो दिन से इस बजट की चर्चा पे लगातार लोगों को सुन रहा हूं और जैसा हमारे बेनीवाल जी ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण बजट पे संपूर्ण विपक्ष सदन में न हो तो यकीनन ये चिंता का विषय है और मैं अपने को वहीं तक सीमित रखूंगा कि हमारे माननीय सदस्यों ने जो बात कही है मुझे तो लगता है कि इस बार का बजट जो माननीय निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया, उन्होंने लंबा बजट प्रस्तुत किया इसका भी उल्लेख किया गया और किस तरह के सरकास्टिक रिमार्क्स किए गए। मैं कहता हूं कि अगर उन्होंने 162 मिनट देश के आम जनता से, क्योंकि सामान्य बजट या देश का बजट क्या होता है, देश के 130 करोड़ जनता के हितों की रक्षा करने वाला सरकार के द्वारा तैयार किया हुआ आय व्यय का लेखा जोखा होता है, भविष्य का रोडमैप होता है, देश के विभिन्न सेक्टरों में किस तरीके से सरकार का एलोकेशन है फंड्स का, कौन सा सेक्टर की हमारी प्राथमिकता है, हम देश के किसानों के प्रति कितनी चिंता है, महिलाओं के प्रति, स्किल इंडिया या नौजवानों के प्रति उसकी चिंता हो। और अगर उसको विस्तार से उन्होंने 13,200 शब्दों में अगर इस सदन में इस बजट को रखा है तो निस्संदेह ये विपक्ष आज उसकी नई तारीफ कर रहा है, लेकिन संपूर्ण देश के गांव-गांव में तारीफ हो रही है जो निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया। इसलिए नहीं, उन्होंने कहा बजट में कौन सी नई चीज है, मैंने प्रेमचंद्रन जी को अभी सुना, ओवैसी साहब को सुना, सुप्रिया सुले जी को सुना, मैं कहता हूं कि बजट में कौन सी नई चीज है। आज जिस तरीके से किसानों के लिए कृषि सिंचाई के लिए 1.26 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, 99 परियोजनाएं रुकी थी, प्रधानमंत्री जी ने इसी सदन में कहा सिंचाई की परियोजनाएं, पिछली सरकारों को इस बात की चिंता नहीं थी कि किसानों के खेत तक पानी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ऐसी 100 महत्वपूर्ण 99 परियोजनाओं को फिर से पूरा करके उस सागर से, नदी से, ट्यूबवेल से उस पानी को पहुंचाने का खेत तक का काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है और उसके लिए बजट का प्रावधान किया है। जल जीवन मिशन के लिए, आखिर बीमारियां किस लिए होती हैं, स्वच्छ जल न मिलने के कारण आज नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक आदिवासी इलाकों में उस कठिन जिंदगी को पहाड़ों पे जहां पानी का अभाव है, या 100 जनपद जो चिन्हित किए गए हैं कि संकट ग्रस्त है, आखिर आज तक क्यों नहीं 100 जनपद को संकट ग्रस्त को घोषित किया गया जो पानी से, किस तरह की चीजें आती हैं। तो आज उनको अगर प्राथमिकताओं के आधार पर उनके लिए पैसा निर्धारित किया गया और उसको उन्होंने विस्तार से अगर निर्मला सीतारमण जी ने कहा तो मुझे लगता है कि संपूर्ण सदन इस बात का आभारी है कि पहली बार जैसे एक गृहिणी, एक महिला घर की चिंता करती है, परिवार की चिंता करती है, समाज की चिंता करती है, ऐसे आज हमारी सरकार की निर्मला सीतारमण जी ने देश के एक एक व्यक्ति की चिंता करके और उन्होंने विस्तार से इस सदन में रखा है। मैं इस बजट को, क्योंकि तमाम हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि इसका फिस्कल डेफिसिट ये है और उन्होंने कहा कि इसमें चाहे कैपिटल गेन की बात की हो, ग्रोथ रेट की बात की हो, तो मैं केवल अपने को इसी विषय तक सीमित रखूंगा कि जिन विषयों को इस बजट से संबंधित, चाहे वो रिटेल इन्फ्लेशन की बात हो या ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट की बात हो या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात हो या करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हो या इंडिया मर्चेंटाइज इंपोर्ट की बात हो या एक्सटर्नल डेप्थ की बात हो, जो एज पर आप जीडीपी हो परसेंट आप, या फॉरेन एक्सचेंज रिजल्ट्स की बात हो या इस तरीके की बातें हो, मैं वहीं तक सीमित रखूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आखिर कौन सा पैमाना होगा, आप इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं, मिस्टर सुरेश इज हियर, आई थिंक सो इफ यू गो थ्रू द इकोनॉमिक सर्वे तो अपने आप इनको परिणाम मिल जाएगा, डेफिनेटली, मतलब यू आर सो सीनियर, ओनली आई एम आस्किंग कि फिर गो थ्रू लाइन बाई लाइन, या यू विल आस्क टू योर अदर कुलीग कि हिम्मत गो टू लाइन बाई लाइन, तो डेफिनेटली दे विल गेट इट ऑल। आज ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है कि हमारी कंट्री नई चीजें क्या इनोवेट कर रहा, आखिर पहली बार
स्टार्टअप इंडिया की बात हुई होगी, स्टैंडअप इंडिया की बात होगी, मेक इन इंडिया की बात होगी, और इन चीजों में कितना आया है मैं इसको बाद में बताऊंगा। लेकिन आज दुनिया में इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे जहां हम 2015 पे दुनिया में 81वें नंबर पे थे, आज 2019 में हम 52वें नंबर पे आए हैं। ये हमारी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इनोवेशन में भारत ने विकास किया। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात मैं करना चाहता हूं। उस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम जहां 2014 में 54 नंबर पे थे, आज हम 2018 में, ये 2018 की मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, वो 44वें नंबर पे आ चुका है। तो आखिर भारत बढ़ नहीं रहा, भारत प्रगति नहीं कर रहा, और दुनिया के ग्लोबल के साथ मैं, दुनिया के देशों के साथ मैं इसको तुलना कर रहा हूं, अभी केवल मैं पिछली सरकारों से कोई तुलना नहीं कर रहा हूं। वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म कंपिटिटिवनेस इंडेक्स की बात अगर मैं करूं तो 2015 में हम वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म कंपिटिटिवनेस इंडेक्स में हम 52वें नंबर पे थे, और आज 2019 पे हम दुनिया में, आज आपने देखा होगा सिविल एविएशन में हम 27% हमारी ट्रैफिक बढ़ रही, दुनिया का टूरिज्म हमारा बढ़ रहा है, प्रसाद स्वदेश योजना मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, और आज उसका नतीजा है कि हम 52वें से आज हम 34वें स्थान पे आए हैं। निसंदेह हम अपनी सरकार को बधाई देंगे और भारत के लोग, क्या अगर प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि आज इंडिया हमारा मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन बन रहा है FDI के लिए, आखिर FDI में, आखिर अगर या तो विपक्ष के खड़ा होकर कह दे कि आज FDI में जिस तरीके का $284 बिलियन का निवेश हुआ है, ये लगातार, इस बात को तो विपक्ष भी स्वीकार करेगा, अगर ये बात गलत हो जाए तो निश्चित तौर से मैं कहूंगा, लेकिन आज $284 बिलियन का इन्वेस्टमेंट FDI का हुआ जो हमारे फॉरेन है, तो अब स्वाभाविक है कि दुनिया के तमाम देश भारत को एक सुरक्षित निवेश का स्थान समझते हैं, तो उसको मान करके उस पर आज ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है उसके इंडेक्स में भी प्रधानमंत्री ने ही कहा था कि हमारे सबसे ज्यादा फेवरेट डेस्टिनेशन हो रहा है, चाहे वो दावोस के आर्थिक सम्मेलन में गए हों, चाहे G20 हो, सार्क हो, आसियान हो, यूनाइटेड नेशंस हो, मैं उनका जिक्र कुल नहीं करूंगा, लेकिन आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भी हम जहां 2015 में 142वें रैंक पे थे, 142 पे वी स्टैंड ऑन 142, और 2019 में हम 63 नंबर पे आ गए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। आज पूरी दुनिया हमारे उसको देख रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं केवल 2-4 बातें कहूंगा क्योंकि समय हमारी कमी है और हमारे चीफ व्हिप साहब ने हमें जहां स्टैंड किया है मुझे वहीं तक सीमित रहना है। आज रिटेल इन्फ्लेशन की बात कही है, मैं रिटेल इन्फ्लेशन की बात कही है, मैं कहना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन इज कंसीडर्ड टू बी हिडन टैक्स ऑन द पुअर। सही, स्वाभाविक है कि अगर इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, तो ये गरीबों पर टैक्स होगा, और ये इन्फ्लेशन अगर महंगाई पे, तो क्या इस सदन में आप भी थे 15वीं लोकसभा में, हमारे अनुराग जी जो आज वित्त राज्य मंत्री सौभाग्य से हैं वो भी थे, सब लोग थे, जायसवाल जी थे, तो क्या इस सदन में सत्ता पक्ष नहीं स्वीकार करता था उस समय जब विपक्ष ये कहता था कि महंगाई डबल डिजिट हो गई, इन्फ्लेशन 10% हो गया, 10 से ऊपर हो गया, तो पूरे देश में महंगाई एक मुद्दा था और वो 12.17% है, 4-5 साल 6 साल पुरानी बात हो गई, लोगों की याददाश्त से उतर जाती है। उस समय नवंबर 2013-14 में 12.17% महंगाई थी, रिटेल इन्फ्लेशन था, जिसको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घटा करके 2.33 इन्फ्लेशन किया है। आज देश में महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, तो आज किस रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं? आज अभी ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे थे, मैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या है कि आपकी आय क्या है और खर्च कितना कर रहे हैं, अगर आय से अधिक खर्च कर रहे हैं तो उसी को फिस्कल डेफिसिट कर रहे हैं, जिसका कई सदस्यों ने विपक्ष से उल्लेख किया। मैं जानना चाहता हूं, अगर इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ा है तो उस ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में आप 11-12 में कहां थे? 5.7% पे थे कि अगर आमदनी 100 रुपए की होती थी तो आप 105.7 रुपया खर्च कर रहे थे, और आज 2019-20 में हम उस आमदनी को, जिसको आप बढ़ा गए थे आमदनी में खर्चे को इतना, कि आज जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास आमदनी से खर्च ज्यादा हम ले रहे हैं लोन केवल सैलरी के लिए, आज हमने उस ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को भी 5.7 से घटा करके हमने खर्च को कम किया, 19-20 में केवल 3.8% रह गया।
तो निश्चित तौर से कि आज हमने इस पे भी फिस्कल डेफिसिट पे भी किया। मैं तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की भी बात करता हूं। आखिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यह है कि जिसमें अगर हम कोई पैसा खर्च करते हैं, कोई पैसा खर्च करते हैं तो कोई एसेट क्रिएट हो, या तो इसको हम कैपिटल गेन कहते हैं, प्लीज हमको दो मिनट दीजिए, या तो कैपिटल गेन हो और या तो लाइबिलिटी जो कर्ज हो उस कर्ज को हम चुका सके। अन्यथा अगर हम एस्टेब्लिशमेंट में सैलरी में खर्च करते हैं तो वो निश्चित तौर से वो एक्सपेंडिचर है। तो आज उस रेवेन्यू डेफिसिट में भी हम लोगों ने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में जहां 14-15 में इसकी 4.1% की थी, आज वो घट करके केवल 1.3% रह गई। तो स्वाभाविक है कि आज एसेट ज्यादा क्रिएट हो रहा है, आज हम लाइबिलिटी भी कर रहे हैं। जो जहां तक बात करंट अकाउंट डेफिसिट की बात, मैं अभी इफेक्टिव की बात कर रहा था, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट को हम विदेशी मुद्रा का जो कहते हैं उसमें, और उसके अनुपात को दर्शाता है कि हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कितना करते हैं। अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो उससे वो करंट अकाउंट डेफिसिट में आता है। आज आप देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट में जो हम पहले केवल इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट वो 2012-13 में 4.8 था, जो आज घट करके 2.1 हो गया। इसका मतलब है कि आज हम इंपोर्ट से भी हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। हम एक्सटर्नल डेप्ट की बात कर रहे हैं। हम केवल देखें, मानो जो कुछ बातें उन्होंने कही उसका उल्लेख अगर हम सत्ता पक्ष से बोल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हमें दो मिनट का और समय दे दें। तो हमने कहा कि जो एक्सटर्नल डेप्ट है उस एक्सटर्नल डेप्ट को भी जो एज परसेंट ऑफ जीडीपी है वो 2009 में 23.9% था, और आज आप मान लीजिए कि 2014-19 में आज उसको घटा करके 19.7% हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, आखिर यह तो चीजें आंकड़े पे है, तथ्य पे है कि जहां 2013-14 में हमारा रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 304.2 बिलियन था, और आज 2019-20 में हमारा विदेशी मुद्रा का जो भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 304 से बढ़कर के 433.7 बिलियन डॉलर हो चुका है। यह इस देश की कितनी अर्थव्यवस्था को आप रोड ले लीजिए, जहां आप याद करिए कांग्रेस की सरकार में 3 किलोमीटर बन रही थी, आज 29.65 किलोमीटर बन रही। अभी हमारे बैठे हुए लखनऊ में रीता बहुगुणा जी वहां का प्रतिनिधित्व करती हैं, एमएलए थी। अभी डिफेंस एक्सपो हुआ, 35,000 करोड़ का हमने अनुमान किया था कि हम वहां से 35,000 करोड़ का हमारा एमयू होगा, 200 एमयू हुआ। आप यकीन करिए दुनिया में हम हब होने जा रहे हैं। हम अब रक्षा उपकरणों को हम एक्सपोर्ट करेंगे, और 35,000 की जगह पे 50,000 करोड़ का एमयू हुआ और 23 यूपी की कंपनियां आई। ये है स्टार्टअप स्टैंड अप। मिस्टर सुरेश यू कम सम टाइम टू मी, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज द स्टार्टअप एंड व्हाट इज द स्टैंड अप। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी बात है। अरे मानवर अभी मैंने प्लीज प्लीज बाल साहब आपको सीनियर है, आपको टोकना अच्छा नहीं लगता है? एक बात कह के खत्म, आपको टोकना अच्छा नहीं लगता? मैं अभी जो एक एम्प्लॉयमेंट आखिरी बात आखिरी बात कहता हूँ, मतलब ये आर्थिक सर्वे की बात मैं कर रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे की, कि उन्होंने कहा कि कहाँ है एम्प्लॉयमेंट, कहाँ एम्प्लॉयमेंट। आप इकोनॉमिक सर्वे में देख लीजिए, बैठ लीजिए, आखिर इकोनॉमिक सर्वे में जो जिसको हम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का हो, 2011-12 में 17.9% था आपकी सरकार में, और आज वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ के 23% हो गया है। तो निश्चित